हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिद्धार्थ एंड वेलकम टू लैंडमार्क फाउंडेशन डिफेंस एकेडमी। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि ज्योग्राफी से है और जिसका नाम है डेनुडेशनल प्रोसेसेस एंड वेदरिंग। सो गाइस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट टाइम भी और इस बार भी इससे, अभी आप अगर आप 10 अप्रैल का पेपर देखोगे तो इससे कई सारे क्वेश्चन इस बार आए हैं एग्ज़ाम में, राइट? सो इस टॉपिक को हमको कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका जो नेचर है टॉपिक का, बिकॉज कई सारे इसमें टर्म्स होते हैं, सो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए आज हम इसको शॉर्ट में समझेंगे कि ये आखिर होता क्या है, डेनुडेशनल प्रोसेसेस क्या क्या हैं और कैसे हम इनको आगे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन इनसे बनता है तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होते हैं हमारे डेनुडेशनल प्रोसेसेस। ओके, सो डेनुडेशनल प्रोसेसेस को समझने से पहले हमको एक टर्म समझना पड़ता है, उसका नाम है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स। अब एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं? एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स विच आर ड्यू टू द फोर्सेज विच आर फ्रॉम अबव द अर्थ सर्फेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देर आर सो मेनी फोर्सेज दैट आर इन प्ले। If you see your earth surface, there are so many you can say these forces. For example, you have, you know, air, right? Then you have water, right? Then after that, air, water, then you have waves, sea waves, right? So there are so many forces that are in play on the earth surface. So all these forces, they have an impact on the surface of the earth. Okay, so by what is surface of the earth? That is the earth crust. Okay, because that is the only layer that is visible to us, right? So that is earth crust, right? And we also call it what? Lithosphere, right? So only lithosphere is visible to us. Okay, if you see the earth surface, also crust, mantle and core, right? So only we live on this layer, right? Lithosphere, right? We call it lithosphere also and crust also. So when we live in this layer, so all these forces, they create an impact over here. Okay, how this impact is made, we'll understand it in the next slide, right? So these processes are called exogenic. Exogenic means that are outside, and endogenic means which are inside, right? So exo means out, endo means inside, right? So these exogenic processes, they give rise to geomorphic movements or simply exogenic movements. So some type of movement happens because of these forces, right? And some type of changes are occurred, okay? So wo changes kya kya hote hain unko dekhte hain, right? So ye jo changes hote hain generally basically hamesha sirf do tarike ke hote hain, right? Jitne bhi changes ho rahe hain, ye आप अगर इनको कैटेगराइज करना चाहो तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होती है वेदरिंग और एक होता है आपका इरोजन, राइट? एक है आपकी ये वेदरिंग, इसको वेदरिंग कहते हैं, और एक होती है इरोजन। तो ये दोनों जो वेदरिंग एंड इरोजन है, राइट, अगर आप देखो ये जो वेदरिंग एंड इरोजन है हमारे, इन्हीं दोनों प्रोसेसेस को ऑल टुगेदर अगर एक ही कैटेगरी, मतलब एक साथ अगर हम इनके लिए टर्म यूज़ करना चाहें, उसी टर्म को हम बोल देते हैं डेनुडेशन, राइट? अभी आगे की स्लाइड्स में ये चीज़ आएगी दोबारा, राइट? सो उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? डेनुडेशन बोल देते हैं, राइट? सो या तो वेदरिंग हो सकती है, जैसे सपोज कोई रॉक है, राइट? सो इन दैट रॉक या तो वेदरिंग होगी, आइदर देर विल बी वेदरिंग और देर विल बी इरोजन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द लेटर स्लाइड्स, राइट? सो व्हाट इज वेदरिंग एंड व्हाट इज इरोजन, राइट? सो दीज बोथ आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेनुडेशन। सो जनरली इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग इज हैपनिंग, वेदर इट इज वेदरिंग और इरोजन, सो यू कैन जस्ट यूज वन टर्म, एक ही टर्म आप यूज कर सकते हो, और हम उसको क्या बोलते हैं? Denudation, right? Okay. So what are the forces? We already discussed it, right? What are the forces that are behind this? Okay. So there is sun's energy. Okay. So sun's energy create weather patterns like winds, precipitation, all these forces are there, right? And these earth materials, whichever are present on the earth crust. Ab earth crust ke upar dekho kai sara material hai. Ek to dekho soil hai, rocks hain, right? And sand hai, right? Water hai, राइट? और आपके फ्लोरा एंड फौना है, लाइक ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, तो इनमें सब में क्या आता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रेस आता है इन सब की। अब जैसे आप सपोज कोई कपड़ा है, उसको बाहर रख दो अगर बहुत दिन तक, धूप में वो सड़ता गलता रहेगा, बारिश आएगी, भीगेगा, फिर सूखेगा, फिर ठंडे में आ जाएगा। अब एक साल बाद आप उसे छूओगे तो इट विल बी ईजिली वो टॉर्न हो जाएगा, राइट? ईजिली फट जाएगा वो, बिकॉज इतना सारा उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आया है जिसकी वजह से वो कपड़ा क्या हो गया है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, राइट? इट इज कॉल्ड एज लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स। उसको क्या बोलते हैं? लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे अब मैं कपड़े का एग्जांपल दिया, वैसे ही आपकी अर्थ पे जितने रॉक्स हैं, राइट, रॉक्स हैं, ट्रीज हैं, हर एक चीज़ में कोई ना कोई आपका जो चेंजेस है वो आएगा, राइट? ओके, एंड जो स्ट्रेस होता है ये किसी सॉलिड में या तो पुशिंग से आएगा या उसकी पुलिंग से आएगा, राइट? शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये वही चीज़ है, राइट?
चलिए, तो डेन्यूडेशन क्या होता है? तो डेन्यूडेशन अभी हमने जैसे डिस्कस किया, वेदरिंग या इरोजन को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं? डेन्यूडेशन बोल देते हैं. ओके, नाउ डेन्यूड जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? टू स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर. लाइक अगर सपोज कोई सरफेस है, राइट, इसके ऊपर एक कोई एक सपोज आपकी सॉइल की एक लेयर जमा है, अगर ये लेयर इस पे से रिमूव कर देते हैं हम, इस लेयर को हम हटा देते हैं यहाँ से, राइट, तो ये सरफेस ऐसा बचेगा बेयर. तो ऐसी चीज़ ऐसा इस जो प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रिप ऑफ होना या फिर अनकवर होना, राइट. तो डेन्यूडेशन डिपेंड किस पे करता है? फिजिकल जो आपकी फोर्सेज हैं, जैसे लाइक फोल्ड्स, फॉल्ट्स, ओरिएंटेशन, इंक्लिनेशन ऑफ बेड्स. बेड्स मीन्स लाइक रिवर बेड्स, राइट. देन एबसेंस ऑफ जॉइंट्स, मतलब वट आर दीज, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन इन डिटेल. यू डोंट हैव टू लाइक यू नो पॉन्डर ओवर कि भाई ये क्या है, ये मिनरल परमिएबिलिटी क्या होती है. आपको अभी इस चीज़ को नहीं सोचना है, आपको बस ये समझना है कि डेन्यूड का मतलब होता है कि कोई भी सर्फेस है उसके ऊपर से कोई भी चीज़ है उसका स्ट्रिप ऑफ हो जाना, राइट, उसको हम डेन्यूडेशन कहते हैं. अब वो डेन्यूडेशन किस किस पर डिपेंड करता है? वो फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है, राइट. जब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि ये जॉइंट्स क्या होते हैं, बेडिंग प्लेन्स क्या होते हैं, राइट, सॉफ्टनेस क्या होती है, लाइक मिनरल्स की, इन सबको, राइट. ओके, सो विद दिस डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. सो डेन्यूडेशन एक एक्सटर्नल प्रोसेस है हमारा, राइट, वियर एंड टियर ऑफ रॉक्स है, ठीक है. तो जो डेन्यूडेशन है उसके अंदर पहली चीज़ क्या आती है हमारी? इसको बोलते हैं वेदरिंग. क्या बोलते हैं हम पहली चीज़ को? वेदरिंग. ये किसके लिए, किस वजह से होती है? रॉक्स आर ब्रोकन इंटू फ्रेगमेंट्स. जो आपके रॉक हैं, देखो ये रॉक है, लाइक रॉक का एक वीरो माउंटेन है, राइट, इसके ऊपर ये रॉक्स हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, ये धीरे धीरे इनके ऊपर की लेयर क्या होगी? वीक होती जाएगी एटमोसफेयर की वजह से और वो वॉर्न ऑफ हो जाएगी, राइट, एंड वो नीचे इस तरीके से आपके रन डाउन द स्लोप ऐसे आ जाएंगे, राइट. और ये और जिसमें वेदरिंग होगी तो ये और आपके क्या हो जाएंगे, इनके ये और लाइक इसके जो और इनका जो होता है एक तरीके से देखो तो पाउडर बन जाएगा. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज बादाम है या कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ है, आपने उसको मिक्सी में सिर्फ एक बार चलाया तो उसके ऐसे बड़े बड़े टुकड़े होंगे जैसे ये हैं, राइट. फिर उसको और चलाओ और उसके ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन डालो आप मिक्सी के अंदर, थोड़ा और बारीक हो जाएंगे, राइट. उसके बाद उसको आप और डालोगे तो इट विल बिकम मोर फाइन. ओके, सो अल्टीमेटली इट विल चेंज इनटू सॉइल, राइट. सो वेदरिंग क्या है आपका? रॉक्स विच आर ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, राइट, बाय द मॉइस्चर एंड द टेम्परेचर चेंजेस. ओके, फ्रेगमेंट्स मूव डाउन द स्लोप इनटू ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. इसको बोलते हैं मास वेस्टिंग, राइट. लाइक ये जो आपके हैवी थे, जो आपके बोल्डर्स हैं, ये वेदरिंग की वजह से डाउन द स्लोप फॉल करते हैं, इसको मास वेस्टिंग कहते हैं, राइट. वट इज इरोजन? डिब्री इज रिमूव्ड बाय मूविंग एजेंट्स. लाइक सपोज देर इज रिवर वाटर इज फ्लोइंग, सो इफ दीज रॉक्स आर लूज, लाइक ऑल दीज रॉक्स हेयर, राइट, दीज आर वेरी लूज, इफ वाटर फ्लोज ओवर देम, ये वाटर क्या करेगा? इसको अपने साथ लेके चले जाएगा, राइट, बिकॉज ये लूज है. लाइक इजीली आप इसको क्या कर सकते हो? आप जैसे मान लो कहीं पे थोड़ी सी रेत पड़ी है आपके घर पे, राइट, और आपने पानी डाल दिया तो वो रेत उसके साथ ही चली जाती है, राइट, जो आपका जो जहाँ से भी आप उसको निकालना चाहते हो घर से, राइट. तो इसकी इसी तरह से क्या होती है, जो हल्के हल्के रॉक्स होते हैं, बहुत माइन्यूट रॉक्स होते हैं, उनको रिवर अपने साथ लेके चली जाती है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज इरोजन. ओके, सो लाइक रिमूविंग ऑफ डिब्री, राइट. देन और इसके और भी एजेंट हो सकते हैं, लाइक हवा से भी कर सकते हो आप एक ब्लोअर ले आओ, उसको ऐसे धूल पे मारो, धूल एकदम से जैसे वो वैक्यूम क्लीनर होता है ना, उससे भी चली जाती है, राइट, और आप उसे हवा हटा भी सकते हो, राइट. जैसे आप कहीं पे आपके लैपटॉप के ऊपर या आपके मोबाइल पे अगर धूल है, आप फूक मारते हो, राइट, तो क्या होता है एक्चुअली? विंड क्या कर रही है? उसको वहाँ से हटा रही है धूल को, राइट. सो इट इज़ उसी प्रोसेस को बड़े लेवल पर जब हम देखते हैं पूरे अर्थ के लेवल पर, तो उसको इरोजन कह देते हैं, राइट. देन ट्रांसपोर्टेशन, राइट. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है आपका? जो भी आपका लोड कैरी है उसको, लोड इज कैरीड बाय द मूविंग एजेंट्स. अब इस ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि वो जो है उसको रिवर अपने साथ लेके जा रही है, तो रिवर लेके जा रही है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उस चीज़ को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, राइट. सो दीज आर द प्रोसेस दैट आर कवर्ड अंडर डेन्यूडेशन. सो इससे अभी एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली कि डेन्यूडेशन क्या है, राइट. आपका आप 10th अप्रैल का पेपर देखोगे जो एनडीए का, उसमें इससे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट. ओके, सो अगर आप देखना चाहो कि डेन्यूडेशन ये होता क्या है, इस ये डायग्राम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि प्रोसेस क्या है वेदरिंग. तो पहला डेन्यूडेशनल प्रोसेस क्या है हमारा? वेदरिंग होता है, राइट. और वेदरिंग क्या होता है, उसको कौन सी चीज़ किसकी वजह से हो सकती है वेदरिंग? या तो ग्रेविटी की वजह से हो सकती है, या मॉलिकुलर स्ट्रेस, या फिर केमिकल रिएक्शन. दैट मीन्स वेदरिंग किसकी वजह से हो सकती है? या तो फिजिकल कोई फैक्टर हो उसकी वजह से हो सकती है, लाइक ग्रेविटी, ओके, या फिर केमिकल फैक्टर हो सकता है, ओके, एंड या फिर क्या हो सकता है आपका, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है. तो तीन फैक्टर हैं आपके जिनकी वजह से वेदरिंग हो सकती है, राइट. सो दीज आर द फोर्सेज जिनकी वजह से वेदरिंग होती है, लाइक लिखा है ना यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी, राइट. सेकंड, मास मूवमेंट्स क्या हैं? तो मास मूवमेंट क्या है आपके, जो डाउन द स्लोप आपका फॉल हो रहा है. तो देखो अर्थ पे खुद से कुछ मूव तो कर नहीं सकता है, हमारे पास एक ही फोर्स है जिसकी वजह से हम मूव करा सकते हैं किसी चीज़ को, अर्थ मतलब जो नॉन लिविंग है ओब्वियसली, राइट, जिनमें कोई इंजन या मूविंग पार्ट नहीं है या जो भी मतलब नॉन लिविंग है, तो वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ही मूव कर पाती हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है. एंड इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये एक ही कैटेगरी में हम इसको जनरली रखते हैं, राइट. तो इनकी ये किसकी वजह से मूव करते हैं? काइनेटिक एनर्जी. और ये काइनेटिक एनर्जी किस किस के पास होती है? मूविंग वाटर जो होता है उसके पास होती है, ओके. एंड हमारे पास दूसरी जो मूविंग चीज़ है वो क्या है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब जिसके वेलोसिटी हो, वो विंड है या वेव्स हैं, राइट. तो इनकी वजह से क्या होता है आपका? इरोजन होता है, ओके.
राइट. तो ये आपके डेनुडेशनल प्रोसेस हैं. अगर आपको ये याद है तो ये क्वेश्चन जो आपका आया था आप इजीली इसको कर पाते. राइट. तो एक सिंपल सा समझ लेते हैं सबसे पहले. तो हमको हम सबको एक एक करके पढ़ना होगा. राइट. आप जो डिटेल वाला है उसके लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हो. राइट. या फिर आप लाइक एडमिशन के लिए इंक्वायर कर सकते हो ताकि हम इसको जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे ये ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक है या फिर जो भी बैच स्टार्ट होगा तो आप उसमें उसको एनरोल कर सकते हो. ये नंबर्स आप साइट पर जाके ले सकते हो या फिर आप यूट्यूब में ही अबाउट अस में जाके वहाँ से आप इसमें देख सकते हो और ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ओके. सो दिस दी सी दिस लाइक इन आवर कोचिंग व्हाट वी एम्फसाइज लाइक वी डू नॉट गिव 100 PDFs लाइक वेरी लॉन्ग PDFs एंड देन वील से दैट हमने जो कराया उसमें से आया. सो दिस इज नॉट हाउ पेपर्स आर क्रैक्ड. राइट. यू नीड अ स्ट्रैटेजी. राइट. सो वी गिव लिमिटेड नोट्स वेरी लिमिटेड नोट्स एंड देन वी ट्राई टू फोकस ऑन दोज एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कैन कम. एंड देन दिस ईयर ओनली 50 to 55 क्वेश्चंस केम एग्जैक्टली फ्रॉम आवर लाइक मॉक टेस्ट. ओनली वी जस्ट गिव 10 मॉक टेस्ट नॉट लाइक 20 to 50. राइट. वी जस्ट गिव 10 मॉक टेस्ट एंड अवर स्टडी मटीरियल. एंड इफ यू मीट द स्टूडेंट्स हेयर यू विल सी देयर नोट्स. दे जस्ट जस्ट वन वेरी लाइक यू नो लीन रजिस्टर लाइक इट इज वेरी स्मॉल. यू कैन जस्ट रिवाइज इट इन लाइक यू नो 12 to 15 hours. राइट. सो दिस इज हाउ बट वी नो दैट वट टाइप ऑफ क्वेश्चन वट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. राइट. ओके. वी गिव यू अ सपोर्टिंग मटीरियल ऑल्सो लाइक करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग. बट इफ यू ट्राई वॉन्ट टू टेक एडमिशन आई वी कैन एश्योर यू दैट क्वेश्चन विल कम. लाइक वी आर नॉट सेइंग दैट 100 out of 100 विल कम. नो बडी अटेम्प्ट 100 out of 100 इन जी एस. राइट. ओके. सो यू जस्ट नीड 50 to 60 क्वेश्चन टू क्लियर दिस एग्जाम. राइट. ओके. इफ सम पीपल लाइक समवन इज अ टॉपर देन फॉर दैट ऑल्सो वी कैन लाइक गाइड दैम. राइट. इफ यू वॉन्ट टू अचीव लाइक यू वॉन्ट टू डू 80 questions out of 100 दैट इज ऑल्सो डूएबल. राइट. बट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट यू कैन ईजिली स्कोर 50 to 60 like you know 50 to 60 in between that. Right. And we can assure you that all those questions will come from what we teach you and we don't put like too much burden. Like we give 100 PDFs to you and then we'll say that isi mein se aayega. Obviously if I say that all the books in the library you'll read it and something will come from it. So this is not like that. Right. Okay. So guys, this is weathering. This is our like you know we'll discuss in the next class what is weathering. Right. And the next video. Okay. So these topics will be covered one by one. Okay. So till then, guys, thank you so much and God bless you all.